वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आज हम देखेंगे कि यहाँ पे अलीवीर मार्केट में हम लोग है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में। तो आज हमारा नासिक से, महाराष्ट्र से एक ग्रेप का कंटेनर यहाँ पे आया हुआ है, तो उसका क्या सिचुएशन है इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। बोलो भाई थोड़ा। और हमारे मित्र है अजिंक्य, यहाँ के हमारे पार्टनर है। तो ये जो कंटेनर जो अभी सेलिंग का काम है वो देखते हैं अभी मार्केट का क्या रेट है, क्या सिचुएशन है, वो हम लोग आज जानेंगे। तो ये कौन सा कंटेनर है भाई? ये ये ग्रेप्स का कंटेनर है, ये नासिक से इसका स्टफिंग हुआ है। ओके। जो हमारा नासिक का ओरिजिन है और मैं खुद नासिक से हूँ। ओके। और इसमें अभी दो टाइप है, एक ये 4 kg पैकिंग है और ये 5 kg पैकिंग है। ये 4 kg है, ये 4 kg का पैकिंग है, थर्माकोल। हाँ, थर्माकोल बॉक्स है। ये पाउचेस में आ रहा है। राइट। क्या कितने ग्राम के पाउचेस है ये? ये 5 ग्राम का, 500 ग्राम का एक पाउच है। ओके। और ये कौन सा वैरायटी है ग्रिप का है? ये सोना का है, सुपर सोना का। ये मीठा रहता है? मीठा है। क्या ब्रिक्स है इसका? इसका 16+ ब्रिक्स है। और ये कौन से एरिया का, कौन से तालुका का है? नासिक का है, प्रॉपर पिंपळगाव से इसका स्टफिंग हुआ है, ICD नासिक से इसका क्लियरिंग हुआ है। अच्छा। एंड JNPT फ्लोर से इसका शिपिंग हुआ है। ओके। तो इसका क्या कॉस्टिंग जा रहा है? इसका कॉस्टिंग अभी आ रहा है 23 dirham यहाँ तक का, मार्केट तक का। कितना केजी का? 4 kg। 4 kg का 23 dirham ये लैंडिंग कॉस्ट है, ये मार्केट में अलवीर मार्केट। राइट। और अभी मार्केट क्या चल रहा है? 20 dirham रेट चालू है बेसिकली। अभी ये लॉस में है, लेकिन यही 2 हफ्ते पहले हमको बहुत कमा के दिया। अच्छा। जब कोई एक्सपोर्टर इसमें कंटिन्यू काम करता है तो उसको प्रॉफिट लॉस होता रहता है, दोनों भी चीजें। बट इसमें एक्सपेक्टेड है थोड़ा प्रॉफिट कल हो भी सकता है। हो भी सकता है। अभी कंटेनर का कितना दिन है मार्केट में? आज दूसरा ही दिन है। दूसरा ही दिन है इसका। 10 days फ्री टाइम रहता है, बेच सकते हैं। राइट। 10 days फ्री टाइम रहता है, तो 10 days के अंदर कभी भी इसको सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं। हाँ। ओके। अभी ये दूसरा पैकिंग है। ओके। 5 kg पनेट पैकिंग। अच्छा। ये 5 kg का पनेट पैकिंग है। इसके अंदर 10 पनेट के पाउचेस आते हैं। अच्छा। 500 ग्राम का एक एक पनेट रहता है इसमें भी। और इसका क्या कॉस्टिंग करता है फिर? इसका कॉस्टिंग अभी हमें गया है 29 dirham। 29 dirham। राइट। लैंडिंग इन लैंडिंग अलवीर मार्केट। और इसका सेलिंग क्या एक्सपेक्ट करें? सेलिंग रेट अभी चालू है 25-26 dirham। 26 dirham यस पर बॉक्स। ओके। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट है किसका डिमांड ज्यादा रहता है? ये बॉक्स का डिमांड ज्यादा है, री एक्सपोर्ट के लिए ये बॉक्स चलता है, चलता ज्यादा। और ये लोकल डोमेस्टिक में यहाँ के यहाँ पे सेल होने के लिए, यहाँ के लिए। यस। और वो मतलब री एक्सपोर्ट के लिए, री एक्सपोर्ट भी चलता है और सुपर मार्केट से, मॉल से, उसमें उसका डिमांड थोड़ा ज्यादा है। ओके। क्योंकि उनको रीपैकिंग उसको वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। राइट। ओके। उनका सिर्फ लेबलिंग लगेगा और वो लोग सेल करेंगे आगे जाके। तो अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ से री एक्सपोर्ट होता है, तो कौन कौन से कंट्री में री एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है? सऊदी है, बहरीन है, कतर है। अच्छा। यस। तो वहाँ पे अच्छा रेट मिलता है क्या वहाँ पे? यहाँ से लोड करेंगे, वहाँ पे भी ऐसा ही सेम मार्केट है। okay. इससे तो अच्छा ही मिलेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पे लेके जाने का एक्सपेंस भी है, कोई कस्टमर यहाँ पे कैश में लेता है। okay. जिनका आगे सोर्सिंग है वो लोग यहाँ से आगे एक्सपोर्ट करते हैं, री एक्सपोर्ट। ओवरऑल आप बोल रहे कि अभी मार्केट का सिचुएशन क्या है, कितने कंटेनर मार्केट में खड़े है? और मार्केट में अभी तो कंटेनर है 4-5 कंटेनर अभी है। अच्छा। लेकिन एज यूजुअल जैसे शिपिंग लगते है उस हिसाब से अभी बोल नहीं सकते पीछे से कितने कंटेनर है और कितने कंटेनर आ रहे हैं। okay. और कितने अभी आएंगे और नहीं, तो फिर इंडिया में महाराष्ट्र में हम लोग जो देख रहे कि किसान लोग बोल रहे कि रेट बढ़ाओ या जो भी कुछ हो रहा है, तो क्या वो रेट फिजिबल है क्या यहाँ के मार्केट के लिए? नहीं, वो तो फिजिबल नहीं है। देखो, लेने वाले का कोई भी वो बोलेगा मुझे सस्ता चाहिए, और देने वाला कभी भी बोलेगा कि मुझे महंगा बेचना है। बराबर। वो तो मार्केट है, यहाँ पे आएगा तो मार्केट के हिसाब से ही बेचा जाएगा उसको। ओके। अभी हम खुद ला रहे हैं, हमारे एक्सपोर्टर को कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। जैसे जो कंटिन्यू बेसिस पे करने वाले लोग है वो अच्छा पैसा कमाते हैं। okay. यही 2 हफ्ते पहले हमने इसमें 3-4 lakh का भी प्रॉफिट निकाला है और आज 3-4 lakh का लॉस भी है। लॉस भी है। तो जैसे कंटिन्यू करेंगे वैसे लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। बराबर। राइट। तो ओवर द पीरियड आप एक्सपोर्टर को क्या एडवाइस करते हैं? मतलब काफी लोग है कि जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसानों के भी हमें फोन आते हैं, हमारा खेत है, हमारा बाग बगीचा है और हमें बेचना है, तो क्या रेट चल रहा है, क्या आप बेच के देंगे क्या, उनको क्या सलाह देंगे? अब हम ऐसा सलाह ऐसे डायरेक्टली दे नहीं सकते क्योंकि किसान को चाहिए फिक्स रेट। हाँ। या बहुत लोग है वो हमें कांटेक्ट भी करते कि फिक्स रेट पे काम करो। हाँ। लेकिन पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसको फिक्स रेट कोई कर नहीं सकता। यहाँ पे फिक्स रेट करने वाले बंदे हैं, लेकिन अब उनका अभी आगे का कैसे काम है उनके ऊपर डिपेंड है। हम जो लोग करते हैं हम तो कमीशन के ऊपर ही काम करते हैं। क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे आने के बाद उसका रेट डिसाइड होगा कि क्या रेट चलो डेली मार्केट के ऊपर। बराबर। जैसा लोकल है, वासी मार्केट है, नासिक मार्केट है, वहाँ पे भी ऐसे ही काम चलता है। किसान लोग मार्केट में लेके जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद उनको मालूम होता है कि क्या रेट बिकने वाला है। सेम वैसा ही मार्केट है, जैसे लोग वहाँ पे ट्रैक्टर लेके जाते हैं मटर के लिए, वैसे लोग यहाँ पे कंटेनर लेके आते हैं, बाकी दूसरा डिफरेंस कुछ नहीं। अगर हम देखेंगे कि इसका
अभी जो एक्सपोर्ट का जो कंटेनर का जो कॉस्टिंग है ये है ना, मतलब जो पूरा बजट है अब कंटेनर के प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट रहेगा, लॉजिस्टिक के लिए कितना खर्च आता है, राइट, उसके बाद यहाँ पे दुबई में क्लियर करके मार्केट में लाने का कितना खर्च है? एक्चुअली प्रोडक्ट का सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग देखा जाए तो वो 10 लाख के आसपास है, 10 से 12 लाख प्रोडक्ट का कॉस्ट, राइट। अच्छा, विथ पैकेजिंग एंड ऑल मटेरियल के साथ, ओके, पैकेजिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट के साथ, रॉ मटेरियल के साथ, ओके, 10 लाख। और जो लॉजिस्टिक है वो तो अभी धीरे धीरे लॉजिस्टिक बढ़ रहा है, अभी अभी 1 तारीख से $300 और बढ़ गया। तो पूरा खर्चा क्या जाता है वहाँ से? आज भी पकड़ा जाए तो 240,000 से 250,000 तक, मीन्स नासिक स्टफिंग से लेके जबल अली पोर्ट तक का ये कॉस्टिंग है, ओके। उसके आगे भी यहाँ पे 1.5 लाख कॉस्टिंग, मतलब 4 लाख का क्लियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, यहाँ पे पार्किंग का खर्चा हो गया, राइट, पूरा। तो अगर आप देखेंगे तो 10 लाख प्रोडक्ट का कॉस्ट और 4 लाख लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, उसके बाद सेलिंग करना है और उसके ऊपर प्रॉफिट बुक करना है। तो भैया ये है एक्सपोर्ट ग्रेप का, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपये महाराष्ट्र को देता है हर साल, वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी इन इंडिया, इन महाराष्ट्र। एंड वी आर होपिंग दैट कि अगर ये जो फ्रेट का रेट बढ़ रहा है, ये जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ रहा है, तो हम लोग गवर्नमेंट को यही अपील कर रहे थे कि इसके ऊपर कुछ काम करो, नए कंटेनर्स बनाओ, नए शिपिंग लाइंस के लिए इनवाइट करो, उसके रेट कम करो, तभी कुछ हमारे प्रोडक्ट अच्छे रेट से दुबई में बिक सकते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बाकी कंट्री से भी ग्रेप आ रहा है तो उनका प्राइसिंग बैठ रहा है लेकिन हमारा प्राइसिंग नहीं बैठ रहा, तो ये लॉजिस्टिक और जो बाकी कॉस्टिंग है, अंटिल अनलेस वी वर्क ऑन दैट, इंडिया इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच, देखते हैं काफ़ी सारे लोग बात करेंगे हम आगे, और आगे काम भी करेंगे। थैंक यू, ओके।